दोस्तों नमस्कार, मैं उन्हीं हिंदुस्तानी नेशन फर्स्ट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के डेट में दुनिया में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं, जिसमें देखा जाए पॉजिटिव पूरे दुनिया में एक साथ ये है कि पूरी दुनिया एक प्रतिस्पर्धा में लगी हुई है कि कोरोना वायरस का इलाज सबसे पहले कौन ढूंढ लेता है, सबसे पहले सफल कौन होता है। और निगेटिव जो चल रहा है दुनिया के अंदर, मैं समझता हूं कि उसमें से कम 90% मेरे देश के अंदर चल रहा है। जो आज जमाते हैं अलग अलग जो भी कोई है, जिसमें उस धर्म के सभी लोग नहीं ताल्लुक रखते हैं, बहुत सारे लोग उस धर्म के हैं जो आज भी अपने आप को लॉकडाउन करके घरों में रखे हैं, सरकार का, इंसानियत का, देश का साथ दे रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने धर्म विशेष को खुद ही नुकसान कर रहे हैं, और उनका साथ देने के लिए टीवी के डिबेटों में बहुत सारे अच्छे अच्छे स्कॉलर, मुल्ला, मौलवी, जानकार उनके साथ में लगे हुए हैं। बस आप अगर डिबेट देख रहे होंगे तो एक चीज आप गौर करिएगा, किसी भी सवाल का जवाब सीधे सीधे कोई नहीं देना चाहता है, सवाल के ऊपर वो सवाल दिखा रहे हैं और उस सवालों के पीछे कहीं ना कहीं वो मोदी की नीतियों को गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि मोदी की नीतियां देश के हित में नहीं है और इनके हित में नहीं है? कौन से ऐसी नीतियां उनकी थी जो वर्ग विशेष में फर्क पैदा कर रही हो? दोस्तों इंसान खुद सिखाता है कि आपको मेरे साथ किस तरह से पेश आना है, और ये लोग सिखा रहे हैं तो कम से कम कैसे अब पेश आना है, अब ये निर्णय सरकारों के हाथों में है, वो क्या करना चाहती हैं। वो तो अच्छा है कि हम लोग चाणक्य के देश में हैं, अगर बार बार गलती करके सीखना रहे तो हम लोग आज तक खत्म हो गए होते। चाणक्य ने यही बोला कि अगर आप अपनी गलतियों से सीखते हैं तो आप बुद्धिमान हैं, लेकिन आप दूसरे की हुई गलतियों से अगर खुद सीख लेते हैं तो आप उस गलती के कारण जो नुकसान होगा उससे बच जाएंगे। और मोदी की नीतियां, मोदी का बुद्धि और विवेक देश के लिए आज काम इसलिए आ रहा है क्योंकि मोदी जमीन से जुड़े हुए इंसान है। मोदी ने जो भी गलतियां की हो, लेकिन दूसरे की हुई गलतियों से ज्यादा सीखा है आज तक। और मेरा मानना है कि किसी भी देश को ताकतवर अगर बनना है तो उसे धर्म और विशेष की सोच से बाहर निकलना होगा। और जो ये पर्सनल लॉ बोर्ड हैं, अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून देश के अंदर बना के रखे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं संविधान का मजाक उड़ाते हैं। अगर ये मजाक नहीं उड़ाते तो शायद आज ऐसी परिस्थिति देश के अंदर पैदा नहीं होती, जब पूरी जनता एक साथ एक दुश्मन से लड़ रही है तो कुछ लोग धर्म विशेष को लेकर के लड़ने के लिए तैयार हैं, और इन्हें फ्री के हथियार मिल गए हैं, AK-47 न्यूक्लियर और ढूंढने की जरूरत नहीं है, बम विस्फोट करने की, फ्री का हथियार है और घातक हथियार है, जब चाहे जैसे चाहे जिधर चाहे उधर फैलाने में लगे हुए हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण आज 30% जो केस हैं कोरोना के, यही सोच पैदा करके रखे हुए हैं। दुनिया में विकास वही करता है जो संघर्ष के साथ कड़े फैसले लेता है, और मुझे लगता है कि ऐसे कड़े फैसले लेने का वक्त अब आ चुका है देश के लिए, और हमें इस कोरोना को हराने के लिए चेन तोड़ने की नहीं, चेन को ब्लॉक करने की जरूरत है। अगर चेन को तोड़ेंगे तो दो पार्ट हो जाएंगे और खतरा बढ़ेगा। चेन तोड़ना नहीं है, चेन को ब्लॉक करना है। तो इसलिए मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा कि आज ये जो मूर्खता कर रहे हैं,
मूर्खों की एक खासियत होती है कि पहले वो आपसे बहस करना शुरू करेंगे और बहस करके आपको अपने आईक्यू लेवल तक लेके आएंगे और आप भी उनके साथ वैसे ही बातें करने लगेंगे जैसा कि वो हैं, और अपने फिर ज्ञान से वो अपने अंध ज्ञान से आपके बुद्धि विवेक संस्कार सभी को छिन्न भिन्न कर देंगे। तो इसलिए ऐसे मूर्खों से कैसे निपटना है, ऐसे कानून अब बनाने की जरूरत आ गई है कि जो ये लोग इज्जत उसकी ना करें, उससे डरें। बहुत सारे टीवी सीरियल फिल्मों में बोलते हैं कानून की इज्जत करते हैं, इज्जत नहीं डर करने वाला कानून चाहिए। मेरी बातों से सहमत हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और मेरी इन बातों को आगे भी बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।